हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे. और अब मैट्राइसिस में हम कुछ ऑपरेशंस को चेकआउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस. इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस, तो दो मैट्राइस अगर इक्वल है, इसका मतलब उनके ऑर्डर भी सेम होंगे. ठीक है कि नहीं? जैसे मेरे पास में एक मैट्रिक्स ले लिया ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन ही होगा. मतलब इनके दोनों के अगर ऑर्डर सेम है तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी. तो ए इक्वल टू बी ये क्या देगा कि आपका जो ए आई जे है वो बी आई जे के इक्वल होगा. मतलब जो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इधर फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एंट्री है वो इक्वल होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री है उसके. ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. तो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया कि अगर एक मैट्रिक्स मेरा 1 3 x और 5 है और ये इक्वल है y z 1 और 5 के, करेक्ट है. तो फाइंड एक्स एंड वाई एंड जेड, ये बोला है. तो अब देखिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है. ठीक है, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगे. करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है इसका मतलब वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ से कंपेयर किए तो वाई इक्वल टू 1 आ गया. ये कंपेयर किए तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया, करेक्ट है. फाइन, अभी जेड की बात करते हैं. तो z इक्वल टू इसको कंपेयर करेंगे, z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम. कोई इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सा एस्पेक्ट है. तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होना चाहिए. ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, कॉलम मैट्रिक्स है एक्स प्लस वाई प्लस जेड. फिर यहाँ है एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड. और दूसरा इक्वल है ये इस मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स है वो है आपका 9 5 7 9 5 7. तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ में आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है. ठीक है कि नहीं? एक ही कॉलम है दोनों मैट्रिक्स में और रोज 3 है. तो ऑर्डर तो आप तो देख लीजिए, ऑर्डर 3x1 होगा. ठीक है कि नहीं? इसका ऑर्डर देख लीजिए, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम एक ही है. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो हो गया वो 3x1 का मैट्रिक्स हो गया, करेक्ट. तो यहाँ से ये 3x1, ये भी 3x1 है. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9. हमारा क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई एंड जेड, बहुत सिंपल. तो यहाँ से एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा और y प्लस जेड इक्वल टू 7. तो ये तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ से देखिए, इसको देखते हैं, x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड 5 है, मतलब 5 प्लस y इक्वल टू 9. तो यहाँ से y आ जाएगा 4. एक तो ये ठीक है. अब फिर y प्लस जेड को देखते हैं यहाँ से, तो x प्लस जेड कितना है, 7 है, दैट इज इक्वल टू 9. तो x इक्वल टू 2 हो गया. अब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप z निकाल सकते हैं. तो सिंपली z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रख लिए तो z इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो इस प्रकार से आपने दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करके जो भी अननोन है उसकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, करेक्ट है. मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एंट्री इधर के मैट्रिक्स में है, वही सेम एंट्री इधर राइट हैंड साइड में जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एंट्री है उसके इक्वल होगी. ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का इक्वल होना कहलाता है, करेक्ट है. प्रॉब्लम्स को हमने चेकआउट कर लिया है. ठीक है, अब आते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्राइसिस. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस हो गया है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है. और अब हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्राइस, अपना एडिशन ऑफ मैट्राइसिस. एडिशन ऑफ मैट्राइसिस सिंपल सा टॉपिक है ये भी.
ठीक है, कि अगर a इक्वल टू ए आई जे, शॉर्टकट नोटेशन अब आपको मालूम होगा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। अगर b इक्वल टू बी आई जे, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ऑर्डर को ध्यान देना। तो टू मैट्राइसेस जो होगा वो ऐड तभी हो सकते जब वो सेम ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर दीजिए, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के ऑर्डर सेम है, करेक्ट है कि नहीं। तो इससे एक नया एंट्री मिल जाएगा, तो आप इसको सी आई जे लिख दीजिए और ये बन गया m क्रॉस n। तो यहाँ पे आप नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए, टू मैट्राइसेस कैन बी एडेड, टू मैट्राइसेस कैन बी एडेड एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे, मैट्राइसिस तभी ऐड हो सकते हैं, और जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही ऑपरेशन हम मान लेंगे, करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है एक्चुअली में वो नेगेटिव एडिशन है। फाइन, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी कैन बी पॉसिबल ओनली वेन द मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब उनको ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, करेक्ट है कि नहीं, या फिर सब्ट्रैक्शन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ए को ऐसे ले लिया 1, 2, 3 और 4, और बी को मैंने ले लिया 3, 4, 5 और 6। तो आप देखो ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, सेम ऑर्डर के हैं, तो इसीलिए ए प्लस बी एग्जिस्ट होगा। ए प्लस बी एग्जिस्ट कैसे होगा, यहाँ का ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 प्लस 3, ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 5 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 6 हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना था। तो ये ए प्लस बी क्या बन गया, ये 4, ये 6, ये 8, और ये हो गया आपका 10, ये बन गया ए प्लस बी। और वैसे ही आप ए माइनस बी निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे एडेड के बाद में सब्ट्रैक्टेड भी लिख दीजिए, मैंने जैसे बता दिया था कि सब्ट्रैक्शन नेगेटिव एडिशन है, तो सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, और फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपको ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। एक हाल एग्जांपल्स को और मैं ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, सब्ट्रैक्शंस का ले लेते सिंपल सा एग्जांपल। तो मान लीजिए ए इक्वल टू समथिंग 1, 3, 5, 6, 5, 7, 0, 1, 8, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और b इक्वल टू मैंने लिया 0, 1, 3, -2, 4, -6, 7, 0, 8, ये मैट्रिसेस लिया। तो अब a माइनस बी क्या होगा, तो अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड a माइनस बी निकाल सकते हैं, ऑर्डर इसका भी 3 क्रॉस 3 है, ऑर्डर इसका भी 3 क्रॉस 3 है। तो अगर 3 क्रॉस 3 या दोनों का सेम ऑर्डर है, तब तो a प्लस बी पॉसिबल है या a माइनस बी पॉसिबल है। तो यहाँ से 1 माइनस 0 डायरेक्ट करते जाओ, आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 3, 2 आ जाएगा, 6 माइनस ऑफ -2, 8 आ जाएगा, 5 माइनस 4, 1 आ जाएगा, 7 माइनस ऑफ -6, 13 आ जाएगा, यहाँ से 0 माइनस 7, तो -7 आ जाएगा, 1 माइनस 0, 1 आ जाएगा, 8 माइनस 8, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए माइनस बी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेशन है एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट we can add the two matrices when they are of the same order, ठीक है। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, ये ऑपरेशन इतना ही था, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मैंने देख लिया, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे, इक्वल होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस भी देख लिया, दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तब कोई स्केलर नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए मैंने ले लिया ए आई जे,
कोई ऑर्डर एम क्रॉस एन ले लिया, और के इज एनी स्केलर, वो कोई एक स्केलर नंबर है, तो जब ये के को हम मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो एक्चुअली में क्या हो जाता है कि ईच एंट्रीज में वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। इसका क्या मतलब है, वी आर मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स विद द स्केलर के। तो हम क्या कर रहे हैं, ईच एंट्रीज को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट नोट करना, आप मैट्रिसेस के साथ साथ डिटर्मिनेंट के भी नॉलेज को रखना पड़ता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है ना। अभी पहले इसको देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए को मैंने ले लिया 1, 2, 3 और 4, अब मुझे 5A निकालना है, तो 5A क्या करूँगा, मैं सारे एंट्रीज में 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा, 5, 10, 15 और 20, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है क्या, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो नोट करने वाला पॉइंट है, जिसमें कि कॉमन एरर होता है कि आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के नॉलेज को दोनों को एकदम बिल्कुल डिफरेंशिएट करके रखना है, खास करके इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में, कि अगर डिटरमिनेंट है उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो ईच एंट्रीज में नहीं मल्टीप्लाइड करते, या तो फिर किसी रोज में, कोई भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम मल्टीप्लाइड करते हैं। तो नोट करेंगे, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ये है 1, 2, 3 और 4, ठीक है, अभी जैसे ही, अब ये डिटरमिनेंट है, ये क्या है डिटरमिनेंट, और अब मेरे को 5A निकालना है, तो 5A निकालूंगा तो क्या करूँगा, या तो इसमें मल्टीप्लाइड कर दूँ 5 × 2 = 10 × 3 = 4, ओके है, या फिर 5A ये भी हो सकता है 1 और 2 के फर्स्ट रो को ना मल्टीप्लाइड करते सेकेंड रो को मल्टीप्लाइड कर दिया, ये भी ओके है, ठीक है। तो अब देखा आपने कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि जब डिटरमिनेंट में स्केलर से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो किसी भी एक रो के सारे एंट्रीज में मैं उस स्केलर को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाइड किया तो सेकेंड रो में नहीं मल्टीप्लाइड किया, और अगर सेकेंड रो में मल्टीप्लाइड किया तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाइड किया, तो किसी भी रो में मैं उस स्केलर को मल्टीप्लाइड करूँगा किसी एक रो में, या फिर मैं ऐसे ही काम किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाइड करके भी कर सकता हूँ। खास बात ये और है, तो कैसा हो गया, जैसे मैंने अगर आपको यहाँ लिख दिया कि 5A, तो यहाँ आप क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम में मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, कॉलम में मल्टीप्लाइड किया तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो ये 2 और 4 जो सेकेंड कॉलम हो वो एज इट इज हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो वैसे जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाइड किया मैं सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। तो अब आपको इनको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। क्या बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जब भी हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के ईच एंट्री में मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। और ये बात वैसे नहीं होती, जैसे कि डिटरमिनेंट में हमको अगर स्केलर को मल्टीप्लाइड करना है तो उसमें ईच एंट्रीज ऑफ द डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाइड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाइड दैट स्केलर विद द ईच एंट्रीज ऑफ एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम, सब ओके। या तो कॉलम किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाइड कर लीजिए, या फिर किसी एक रो में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, जितने भी पॉसिबल वहाँ रो है उसमें से कोई भी एक रो ले लीजिए, उसके सारे एंट्रीज में उस स्केलर को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, या फिर जितने भी वहाँ पे कॉलम्स है उसमें से कोई भी एक कॉलम ले लीजिए और उसके सारे एंट्रीज में उस स्केलर को मल्टीप्लाइड कर लीजिए। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और जो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो तो बहुत सिंपल ही है, जितने भी एंट्रीज मैट्रिसेस में उसमें उसको मल्टीप्लाई करने हैं। तो आई होप दैट इस पॉइंट्स को आप जरूर नोट करके रखेंगे, खास करके जब आप डिटरमिनेंट पढ़ते हैं ना तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए प्लीज। तो फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख लिया आपने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, तो इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम CBSE बुक्स पे कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने ही तीन ऑपरेशंस अभी इम्पॉर्टेंट है। हमने कौन कौन से ऑपरेशन देखे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, ठीक है। अब एक नया एक ऑपरेशन जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो इस वीडियो में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए साहब, ठीक है,
फाइंड एक्स एंड वाई, देखा देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 2,3, 4,0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। अब आप ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सीबीएसई का, वैसे जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं ऑलमोस्ट वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही होते हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने का चांस मिले, नॉर्मल क्वेश्चन खाली आपके बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब यहाँ देखेंगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल है ना, मतलब एक लीनियर इक्वेशन और ये मैट्रिक्स है। तो अब क्या करते हैं कि आपको एक्स एंड वाई निकालना है, तो जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वैसा ही ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाएंगे, और यहाँ के जो ऑपरेशन है और यहाँ के ऑपरेशन दोनों डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया कि ये तो सिंपली टू वेरिएबल के इक्वेशंस है, लेकिन उसके राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है वो अपने आप में मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस के ऑपरेशन अलग हो जाते हैं। क्लियर, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, हाँ इसको एक कोएफिशिएंट्स अपना एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो एक काम करो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो, वन इज मल्टीप्लाइड बाय थ्री एंड टू इज मल्टीप्लाइड बाय, इसको थ्री से मल्टीप्लाइड करो, इसको टू से मल्टीप्लाइड कर दो। तो अब ये देखो ये थ्री से मल्टीप्लाइड होगा तो 6x 9y, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 2 6 9 12 और 0, ये आएगा ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया किसे 2 से, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और अब आप क्या करेंगे, देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो वो सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, और राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है। आई होप दैट पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते ये कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 9 में से 4 गया तो बन गया 5y, और यहाँ पे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आएगा, दोनों सेम ऑर्डर के 2x2, ये भी 2x2 के हैं, तो ठीक है सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, फिर 9 माइनस 4 प्लस मतलब 13, और फिर 12 माइनस 2 मतलब 14, और फिर 0 माइनस 10 मतलब -10, ये हो गया। अब आप वाई निकाल सकते हैं, देखो वाई निकालने के लिए 1/5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को, 2 13 14 और -10, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये 1/5 को ईच एंट्री में मल्टीप्लाइड कर लीजिए या फिर बाहर ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके वाई आ गया, तो अब आपके पास में एक्स आ जाएगा, एक्स निकालने के लिए यहाँ से आ जाइए, ये 2x प्लस 3y मतलब 3/5 हो जाएगा इंटू ये मैट्रिसेस 2 13 14 माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 2 3 4 और 0, करेक्ट है। तो यहाँ से 2x मिल जाएगा, 2x कैसे हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स 2 3 4 0 और माइनस ये मैट्रिक्स, अब ये 3/5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6/5, इधर हो जाए 39/5, ये हो जाएगा 42/5 और ये हो जाएगा -30/5, इतना ही रखिए आप इसको, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x क्या आ गया, देखिए 2 माइनस 6/5, ये करिए 2 माइनस 6/5 10 माइनस 6 4/5 एक हो गया। अब आते 3 माइनस 39/5 तो 15 माइनस 39 4 हो जाएगा, 4 3 में से 2 तो ये 14 24 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा माइनस के साथ में, करेक्ट ठीक नहीं, हाँ ठीक है 24 माइनस 24/5 आ जाएगा, और इधर आते 4 माइनस 42/5 तो 22
माइनस 22 बाई 5 आ जाएगा, और इधर आते हैं 0 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस सिंपली 30 बाई 5, तो ये हो गया आपका 2x। डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली जो x आना है वो ये आना है। x क्या आ गया बोलो, x आ जाएगा 1/2, सिंपल। ये हो गया 4/5, ये हो गया माइनस 24/5, ये हो गया माइनस 22/5, और ये हो जाएगा 30/5। ये बन गया आपका x। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाइड कर दो तो ये सिंपली 4/10 माइनस 24/10, 22/10, 30/10, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, नहीं माइनस 12/5, माइनस 11/5, इसको भी 5 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया x और y स्टूडेंट। तो आपने देखा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अप्रोच समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-2-3 मिनट का टाइम है, और इस क्वेश्चन में हमने सारे ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और इक्वालिटी, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक था, सबको मैंने ले लिया है। तो देखिए ये 2 मैट्रिक्स में ये स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है, फिर दोनों को ऐड करना है, ये मैट्रिक्स में इक्वल दिखाना है, मतलब इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, एडिशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले इसको सब में मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर इसको सब में मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर इसको सब में मल्टीप्लाइड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये 2x प्लस 3 9 के इक्वल होगा, x मिल जाएगा, 2z माइनस 3 15 के इक्वल होगा, z मिल जाएगा, 2y इक्वल 12 हो जाएगा, तो y मिल जाएगा, और उसी प्रकार से t मिल जाएगा। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने तीनों ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसको भी यूज़ किया, फिर एडिशन ऑफ मैट्राइसेस उसको भी यूज़ किया, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस उसको भी यूज़ किया। आप इसको आसानी से समझ सकते, देख लीजिए। तो आपने ये तीनों ऑपरेशंस को स्टूडेंट समझ लिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दूसरा ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।